हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज की इस वीडियो में हम फिर से एक बार फंक्शंस को देखेंगे जो नंपाई में यूज किए जाते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। नंपाई के फंक्शंस की हमारी आखिरी वीडियो होगी और इसके बाद हम स्टैकिंग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज ये लास्ट वीडियो में हम कुछ खास फंक्शंस को पढ़ेंगे। जो पहला फंक्शन है सफल फंक्शन, दूसरा है यूनिक फंक्शन, और इसी यूनिक फंक्शन के बेस पे हम साइज की काउंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये सारे प्रोग्राम की आपको बहुत क्लियर है क्योंकि इन इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी आप जानते हैं, एनपी डॉट रैंडम डॉट सीड, ताकि आपके सिस्टम में जो वैल्यू रन होते समय आए बिल्कुल वही मेरे सिस्टम में भी वैल्यू आएगी। हम यहाँ क्या करते हैं, कहते हैं क्या कि एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड इन, यानी एक से लेके 21 के बीच में, 21 को डिस्कार्ड करना, यानी हम यूं कह सकते हैं कि एक से लेके 20 के बीच में 10 एलिमेंट्स आप निकालिए और उस 10 एलिमेंट का एक एरे हमें बना के दे दीजिए। जब आप इन 10 एरे को प्रिंट कीजिएगा तो कोई भी वैल्यू, जो रैंडम वैल्यू होगी एक से लेके 20 तक के बीच वाली, वो सब वैल्यू हमें क्या कर देंगे, मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप शफल फंक्शन को यूज कर दिएगा तो सारे एलिमेंट्स इधर उधर हो जाएंगे। अब मतलब शफल का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स को इधर उधर कर देना, मतलब उनके पोजीशन को चेंज कर देना। ठीक है, और ये किस तरीके से करेंगे, ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप शफल कर देंगे तो बस इतना होगा कि एलिमेंट्स तो वही रहेंगे, सिर्फ उनके पोजिशंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये होता है सफल फंक्शन, जो चेंज कर देता है एरे एलिमेंट्स के पोजीशन को, राइट। अब आइए नेक्स्ट फंक्शन है एनपी डॉट यूनिक, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, यूनिक फंक्शन नाम से ही क्लियर है। मान लीजिए कि अगर आपका एरे बना है और उस एरे में कोई वैल्यू रिपीटेड है, जैसे मान लीजिए आपका एरे बना है 10, 20, ठीक है, 30, 40 और फिर से 10 है और 20 है, राइट। तो आपको रिपीटेड वैल्यू कौन कौन से मिले, आपको रिपीटेड वैल्यू मिले 10, ठीक है, जो एक कितनी बार आया है, दो बार आया है, एक बार ये आया और एक बार यहाँ आया है। वैसे आपको 20 मिला है, 20 यहाँ आया और 20 यहाँ आया, तो ये क्या करेगा, आपके एरे से सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हटा देगा, एक बार लेगा, चाहे वो 50 बार क्यों ना आया हो, चाहे वो 10 बार क्यों ना आया हो। जैसे 10 एक बार आ गया ना, तो अगली बार जब 10 कहीं भी आएगा वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। 10 के बाद कितना आएगा, 20 आएगा, उसके बाद 30 आएगा, उसके बाद 40 आएगा, फिर से देखेगा 10 आया है तो 10 क्या आ चुका है पहले, जी पहले आ चुका है, उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। वैसे ही फिर से जैसे ही आगे बढ़ेगा 30 40 हो जाएगा, लेकिन फिर से जब 20 आएगा तो 20 क्या पहले आ चुका है, जी पहले आ चुका है, तो फिर से उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब यूनिक का मतलब हुआ कि एक बार जो वैल्यू आ गई वो दोबारा आपको शो नहीं करेगा, राइट। और इसी पे एक प्रोग्राम ही पूरा बन के आ सकता है, इस यूनिक के बेस पे पूरा प्रोग्राम ही बन के आ सकता है। एक तो प्रोग्राम बन जाएगा क्या कि एक एरे का को एक्सेप्ट कीजिए और उस एरे में जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं सबको हटा दीजिए, तो आप क्या करेंगे, यूनिक फंक्शन यूज कर लेंगे। अब दोबारा क्या पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन ये पूछ देगा कि काउंट कीजिए कि टोटल कितने यूनिक एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो जो भी यूनिक आप निकाल रहे हैं यूनिक एरे से क्या करेंगे, मतलब जब आप यूनिक फंक्शन कॉल करेंगे और एरे को पास करेंगे उसमें, तो इसमें क्या करेगा, सबसे यूनिक वैल्यू निकल जाएगी, जितनी भी यूनिक वैल्यू, जैसे कितनी वैल्यूज है, 10, 20, 30 और 40 है, और डॉट साइज करने से क्या हो जाएगा, इसकी साइज कितनी होगी, तो 1, 2, 3 और क्या 4, तो आपको रिटर्न करेगा टोटल 4 एलिमेंट्स हैं जो यूनिक है। तो प्रोग्राम भी इन्हीं सारे फंक्शंस को यूज करके ही बनते हैं। तो अगर आपके फंक्शंस का कंसेप्ट क्लियर है तो फिर प्रोग्राम भी आप आराम से बना लेंगे, अदरवाइज आप नहीं बना पाएंगे। सो चलिए इसको प्रैक्टिकली एक बार करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो हमारा सफल का प्रोग्राम था। अगर मैं इस सफल वाले प्रोग्राम को यहाँ सफल फंक्शन पहले हटा देता हूँ, ठीक है, अब देखिए सिंपल सा प्रोग्राम हो गया हमारा कि हमने नंबाई को इंपोर्ट किया, हमने सीड मेथड को यूज किया ताकि आपका आउटपुट और मेरा आउटपुट बिल्कुल सेम आए। आप कहते हैं रैंडम डॉट रैंड इंट और एक से लेके 21 के बीच में, यानी कि 20, एक से लेके 20 तक में आप टोटल कितने एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, आपको जितनी मर्जी उतनी एलिमेंट चाहिए, और आप उस मैट्रिक्स को प्रिंट कर देते हैं। तो देखिए जो मेरे पास एलिमेंट आया है जब आप रन करेंगे बिल्कुल सेम एलिमेंट आएगा, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे किस मेथड को यूज कर रहे हैं, सीड मेथड यूज कर रहे हैं, राइट। अब देखिए सबसे पहले क्या है, यहां 16 है, फिर 11 है, फिर 13 है, ऐसे एलिमेंट्स है। अब जैसे मैं इस मेथड को यूज करूंगा कि np डॉट रैंडम डॉट शफल और मैट्रिक्स, इसको जैसे ही यूज करूंगा, देखिए यहाँ पहले 16 था ना, बस इतना याद है कि पहले 16 था, जैसे ही हम इसको रन करेंगे देखिए 16 कहीं और चला गया, मुझे नहीं पता कहाँ गया, लेकिन यहाँ पे पहला क्या गया, 13, मतलब एलिमेंट्स क्या हो गए, शफलिंग में आ गए। तो ये होता है हमारा शफल मेथड जो सारे एलिमेंट्स को आगे पीछे कर देता है, राइट। अब इसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं एक नॉर्मल एक एरे क्रिएट करता हूँ यूनिक मेथड के लिए, ठीक है, मैं कहता हूँ क्या AR=np.array और इसमें मैं पास करता हूँ वैल्यूज को 10, 20, 30, 40, फिर से 10, फिर 20,
ठीक है, और फिर 50 मैं ये एलिमेंट देता हूँ। अब जब मैं अपने ए डबल आर मतलब एरे को प्रिंट करूंगा तो क्या करेगा, ये सारा एलिमेंट प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ क्या कि एनपी डॉट यूनिक, मतलब मुझे यूनिक एलिमेंट्स चाहिए, UNIQUE यूनिक एलिमेंट्स चाहिए और हमारे एरे से यूनिक एलिमेंट चाहिए, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, देखिए इसने क्या किया, सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स मुझे दिए, जो भी डुप्लीकेट थे उन सारे वैल्यूज को क्या कर दिया इसने, हटा दिया, राइट। और वैसे ही मैं यहाँ कर दूंगा डॉट साइज, तो ये क्या करेगा, हमें उसकी साइज प्रोवाइड कर देगा, कितने यूनिक एलिमेंट्स हमारे पास हमारे इस एरे में मौजूद हैं, जो कि क्या है, 5 है। तो ये सब छोटे छोटे ऐसे फंक्शंस हैं जो पूरा एक प्रोग्राम ही बना देते हैं। ये एक प्रोग्राम आपके लिए हो गया, जो ये कहेगा क्वेश्चन आपसे, ये पूछ सकता है कि आपके पास एक एरे है तो उसमें काउंट करके बताइए कि टोटल यूनिक एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, और इन्हीं सबसे हमारा प्रोग्राम क्या होता है, बनते चला जाता है। तो यूनिक फंक्शन हमने पढ़ लिया। यूनिक का ही एक और छोटा सा पार्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप एनपी डॉट यूनिक और ए डबल आर जब यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे तो सारे यूनिक वैल्यूज दे देगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और एडवांस पढ़ें तो उस एडवांसमेंट में ये होता है कि आपने कहा मुझे यूनिक वैल्यू चाहिए इस एरे से चाहिए, फिर आप कहते हैं रिटर्न इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, मतलब आपको जो भी वो रिटर्न करेगा यानी जो भी यूनिक वैल्यूज वो रिटर्न करेगा उनके पोजीशंस भी बताएगा कि किन किन इंडेक्सेस पे, पोजीशंस मतलब इंडेक्सेस, किन किन इंडेक्सेस पे वो सारी वैल्यूज आपको यूनिक मिली हैं। और फिर ये कहता है रिटर्न काउंट्स इक्वल टू ट्रू, मतलब अब ये देखिए बात समझिए, यहाँ पे पहला जो लाइन आएगा वो आएगा आपका एरे, ठीक है, ओके, लेकिन वो यूनिक वैल्यू कंटेन करेगा। उसके बाद जो दूसरी लाइन आएगी उसमें आएगा उन सारी वैल्यूज की इंडेक्स पोजिशन, और तीसरा जो लाइन आएगा उसमें आएगा कि किन किन वैल्यूज यानी किन किन इंडेक्सेस पे जो वैल्यूज थी वो कितनी बार रिपीट हुई हैं, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो है क्या कर देगा, ये आपको प्रोवाइड कर देगा कि हर एक एलिमेंट कितनी बार आया है। प्रोग्रामेटिकली करेंगे, चलिए देखते हैं करके। तो देखिए ये प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने यहाँ टाइप कर रखा है, और इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, बस आपको करना है एनपी डॉट यूनिक यानी आपको यूनिक एलिमेंट चाहिए एरे। तो देखिए जो एरे हमारे पास यहाँ मौजूद है उन एरे में से इसने यूनिक वैल्यू दिया 10, 20, 30, 40, 50, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज आए थे, जो यहाँ पे 10 आए थे, 20 आए थे, उसने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, राइट। अब उसके बाद कहते हैं रिटर्न इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, मतलब मुझे इंडेक्सिंग भी चाहिए इसकी। तो देखिए 10 जो है वो किस इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, तो इसने 0 दे दिया। 20 जो है किस इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे, इसने 1 दे दिया। वैसे ही 32 इंडेक्स पे है, 40 थर्ड इंडेक्स पे, और 50 जो है वो 6th इंडेक्स पे है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, 6 रिटर्न कर दिया। बाकी बीच में जो वैल्यूज थे उसने उसकी वैल्यूज रिटर्न, उसकी इंडेक्स रिटर्न नहीं की, क्योंकि ये यूनिक का मतलब ही होता है कि ये सिर्फ क्या करेगा, आपको यूनिक वैल्यूज देगा। उसके बाद आइए थर्ड क्या कहता है, हम कहते हैं रिटर्न काउंट्स इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो काउंटिंग है वो भी हमें बताइए। तो हम देखेंगे कि जो 0 इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू 10 थी वो कितनी बार आई है, 2 बार, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, 2 बार आई है। वैसे ही 1 इंडेक्स यानी कि 20 जो है कितनी बार आया, 2 बार आया है। 30 जो है वो कितनी बार आया, 1 आया है। 40 जो है वो 1 बार आया है, और 50 जो भी वो भी कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो ये है इस फंक्शन का काम। तो ये था हमारा फंक्शंस, और जितने भी फंक्शंस इंपॉर्टेंट थे मैंने उसको ढूंढ ढूंढ के आपको बता दिया। फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उन फंक्शंस को जरूर क्लियर करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।